कुल्लू जिला में प्रदेश सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद फ्री यातायात की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता दुनी चंद ने प्रदेश सरकार की सुरक्षा जननी योजना व बेटी है अनमोल योजना पर सवाल खड़े किए हैं। कुल्लू जिला में प्रदेश सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली सुविधा पर भाजपा कार्यकर्ता दुनी चंद ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा कार्यकर्ता दुनी चंद ने कहा कि उनकी पत्नी 22 वर्षीय निशा की क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 28 अगस्त को नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसमें एक बच्ची का जन्म हुआ और उसके बाद डिलीवरी के दूसरे दिन अस्पताल से डॉक्टरों ने निशा को छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा कि 102 पर कॉल कर जब जननी सुरक्षा योजना के तहत यातायात के लिए संपर्क किया तो 102 के स्टाफ दो घंटे बहस करने के बाद टाल मटोल कर आधे रास्ते में छोड़ने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार जननी सुरक्षा योजना व बेटी अनमोल योजना के तहत सुविधा के बड़े बड़े दावे करती है तो दूसरी तरफ इस तरह के वाक्य लगातार पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करें और ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी के बाद महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना की सुविधाएं प्रदान करें। जब हम बाहर एम्बुलेंस के पास बैठे तो लगभग 3-4 घंटे तक ये हम आपस में हमारे साथ बहस पे उलझे हुए थे। उसके बाद इनके जो ऑफिस से कॉल भी आई थी तो 3-4 घंटे तक हम यहाँ बैठे। लास्ट में ये बोल रहे कि एम्बुलेंस जहाँ जाएगी वो हमारे घर से 4 जहाँ पे ये जाते हैं तो वहीं तक जाएगी। तो 4 किलोमीटर से आगे हमें ये आज अपने को नहीं ले जा सकता कि वहाँ से कोई ऐसी तो कोई सुविधा है नहीं कि 15 मिनट बाद गाड़ी मिली। तो सिंगल रोड है, HRTC द्वारा पास है और RM ने परमिशन दी हुई है, DC की हालांकि मेरे पास कॉपी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी मेरे पास है। तो मेरा एक अनुरोध है कि सरकार ऐसी परिस्थितियाँ मेरे को लग रहा है एक जगह नहीं है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है हर जगह ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई है। जो गांव के लोग हैं वो बोलते नहीं है, मेरे को ये नज़र आ रहा है। उसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये इस चीज़ की छानबीन करे और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जननी सुरक्षा योजना 108 एम्बुलेंस, इसकी हमेशा जरूरत पड़ती है। कई जगह ये वरदान भी सिद्ध होती है, कई जगह हमारी तरह 4-4 घंटे बैठ के वेट करना पड़ता है, उसके बाद भी फिर ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है कि सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।